हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए आर्क मोबाइल के एक और नई वीडियो। गाइस, हमारा जो पुराना आर्क मोबाइल का सर्वर है वो होने वाला है रिसेट। रिसेट क्यों हो रहा है, नया सर्वर जो है गाइस, उसके नए रूल्स क्या होंगे, उसमें ज्वाइन कैसे कर सकते हो, सर्वर का पासवर्ड क्या है, नाम क्या है सर्वर का, सर्वर में इवेंट कब होंगे, वो सारी चीज़ें आप लोग को आज की इस वाले वीडियो में भाई पता चलने वाली है। और जो भी सर्वर को ज्वाइंट करना चाहता है, कृपया करके वीडियो जो है ना एंड तक देख लेना। अगर आपने एंड तक नहीं देखी, बीच का कोई रूल स्किप करा और गलती से अगर आपका वो रूल टूट गया, ब्रेक हो गया, तो आपको सर्वर से डायरेक्टली परमानेंट बैन मिल सकता है। तो गाइस, आज का जो एपिसोड है, शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे, वीडियो को लाइक जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको निट्राडो सर्वर का, जहां पे आप लोग मेरी तरह आर्क मोबाइल के सर्वर बना सकते हो। तो सबसे पहले गाइस यहां पे बात करते हैं कि आर्क मोबाइल का जो हमारा सर्वर है, उस सर्वर में ज्वाइन कैसे करना है और उसका नाम क्या है सर्वर का। तो गाइस, हम लोग आ जाते हैं यहां पे मोबाइल स्क्रीन पे। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि यहां पे आपको प्ले आर्क का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद दो ऑप्शन है, सिंगल प्लेयर, मल्टीप्लेयर। उसके नीचे मैनेज सेव डाटा और अनऑफिशियल सर्वर। अनऑफिशियल सर्वर पे क्लिक करिए। अनऑफिशियल सर्वर पे क्लिक करने के बाद आपको क्या कर लेना है, यहां पे ध्यान से देख लेना, आपको गेम टाइप जो है ना गाइस, यहां पे राइट साइड में ठीक है, ओपन ऐप टू रेंट सर्वर निट्राडो करके लिख रहा है, उसके नीचे आपको दिख जाएगा भाई तीन चार ऑप्शन ठीक है। उसमें भाई ऑलवेज शो रिसेंट, उस पर टिक कर देना। गेम टाइप जो है गाइस, वो आप लोग को कर देना है ऑल ठीक है। ध्यान से गेम टाइप होना चाहिए ऑल, डिफिकल्टी होनी चाहिए ऑल, और खास करके जो रीजन है उसको आप लोग को एशिया कर देना है। अबे आप बोलोगे भाई ये रीजन एशिया वेशिया और गेम टाइप वगैरह हम लोग चेंज कैसे करेंगे, तो अगर चेंज करना है तो आप लोग को सिंपली जो ऑल है या फिर जो एशिया लिखा है इसके ऊपर ऐसे क्लिक करते जाना है। देखो ये चेंज हो रहा है, एनए हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, इस तरीके से आप लोग उसके ऊपर टैप करके वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद सर्वर का जो हमारा नाम है वो नाम पुराना वाला ही है, R4HU1 ठीक है। ये अपने सर्वर का नाम है जिसमें अभी फिलहाल के लिए 7 बंदे खेल रहे हैं। आज वाइप होने वाला है, फिर भी 7 बंदे खेल रहे गाइस ठीक है। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक सर्वर वाइप हो चुका होगा, और वाइप की इन्फॉर्मेशन कुछ कुछ बंदों तक पहुंची नहीं होगी, क्यों नहीं पहुंची वो भी बताता हूं मैं, टेंशन नहीं लेने का। अभी गाइस ये अपना सर्वर यहाँ पे आ चुका है R4HU1, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ज्वाइन का ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना, और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को पासवर्ड डाल देना है। अब आप बोलोगे भाई ये पासवर्ड जो है वो हम लोग को कहाँ पे मिलेगा, सो ये जो पासवर्ड है गाइस वो आप लोग को मिल जाएगा डिस्कॉर्ड पे ठीक है। अभी डिस्कॉर्ड पे पासवर्ड मिलेगा, मैं वीडियो में आपको पासवर्ड नहीं दिखाने वाला हूँ, इसका रीजन क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ। सर्वर का नाम आपको पता चल गया क्या है, अभी मैं बताता हूँ कि डिस्कॉर्ड पे आप लोग को जो पासवर्ड है हमारा सर्वर का वो कहाँ से और कैसे लेना, और वो पासवर्ड लाके आपको बस यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करके इधर डाल देना है, और डालने के बाद जो है ना गाइस सीधा आप लोग सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो इजीली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट सर्वर में ज्वाइन करने के बाद तुरंत आपको बैन मिल जाएगा। क्यों मिलेगा तो आगे के रूल सुनिए, ताकि आप लोग को बैन ना मिल सके। पहले मैं बता देता हूं कि सर्वर का पासवर्ड जो है गाइस वो आप लोग को कहां पे और कैसे मिलेगा। तो गाइस, अगर आप लोग को सर्वर का पासवर्ड जानना है तो आप लोग को डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना जरूर। या भी काफी ज्यादा बंदे भाई यहाँ पे बोलेंगे कि डिस्कॉर्ड कैसे ज्वाइन करना है, तो गूगल, अब गूगल नहीं सर, यूट्यूब पे आए, वहां से हमारे चैनल पे चले जाइए, कोई भी वीडियो जो है गाइस वो ओपन कर लीजिए। वीडियो ओपन करने के बाद आप लोग को नीचे मोर का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 17 लिंक मिल जाएगी भाई ठीक है, व्लॉगिंग चैनल लिंक, उसके बाद निट्राडो की लिंक। अगर आपको आर्क मोबाइल के सर्वर बनाना, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके जाओगे तो डिस्काउंट मिलेगा, तो यहाँ से आप लोग जाके सर्वर बना सकते हो। उसके बाद नीचे आना और यहाँ पे माई डिस्कॉर्ड करके एक लिंक मिल जाएगी, इस लिंक पे आप लोग को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर लोगे वैसे आप लोग जो है ना गाइस यहाँ पे, अगर आप मोबाइल पे हो तो पहले आप लोग को जो है ना गाइस जाना है यहाँ पे प्ले स्टोर पे, वहां से डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन 20-30 MB का होगा, वो डाउनलोड कर लेना है और वहां पे आपका अकाउंट बना लेना है, नॉर्मली नाम वगैरह डाल के अकाउंट बना लेना है, सिंपल स्टेप है। उसके बाद आप लोग को जो है ना गाइस यहाँ पे इस तरीके से लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोग मेरे इस डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइंट हो जाओगे डायरेक्टली। कुछ परमिशन वगैरह आएगी वो एक्सेप्ट कर लेना है,
ठीक है, बोलेंगे कि आप 18 प्लस हो कि नहीं, तो अलाउ अलाउ कर दो, अगर आप 18 प्लस भी नहीं हो तो भी अलाउ कर देना, ठीक है, क्योंकि गाइस सर्वर जो है ना हमारा वो 18 प्लस के लिए भाई यहाँ पे हम लोग ने ऐसे बना के रखा है, ताकि जो ना गाइस छोटे बच्चे जो होते हैं गाइस वो सर्वर में ज्वाइन ना हो सके। अगर आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो तो आपकी एज अकाउंट बनाते वक्त फेक डाल देना 18 प्लस वाली, ठीक है। सो आप आ जाओगे यहाँ पे वेलकम पेज पे, यहाँ पे वेलकम आपको ऐसा दिखेगा, उसके बाद कुछ रूल्स भाई पढ़ने के लिए बोला जाएगा, वो रूल्स वगैरह पढ़ लेना, एंड उसके बाद आपको सर्वर का पासवर्ड जो है गाइस वो चाहिए। तो पासवर्ड कहाँ पे मिलेगा, आप लोग को यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शन मिलेंगे, बॉट कमांड, ऑनलाइन मेंबर, वेलकम, गुड बाय, सर्वर टूर, ठीक है, ऐसे काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, मीडिया स्टाफ, मीम वगैरह। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो ना चिल कॉर्नर करके एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो और चार पांच ऑप्शन अनलॉक हो जाएंगे, जिसमें पब्लिक चैट है, मीडिया स्टाफ है, मीम है, ये सारी चीज़ है। एंड उसी के नीचे एंड में आपको मिल जाएगा आर्क मोबाइल सर्वर लिख के, देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्क मोबाइल सर्वर, उस पर क्लिक करना, ये रहा अपना सर्वर का पासवर्ड, यहाँ पे पड़ा हुआ है। अभी बोलेगा यस मैंने पासवर्ड देख लिया, अभी मैं सर्वर में ज्वाइन करूंगा, नहीं गाइस आगे के रूल्स ध्यान से भाई सुनना वरना आपको बैन मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ गाइस नॉर्मल प्लेयर्स के लिए सर्वर के रूल्स जो है गाइस वो क्या होने वाले, एडमिन्स के लिए रूल जो है वो आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। सो नॉर्मल प्लेयर जो होंगे ना, उन लोग को सर्वर को ज्वाइन करने से पहले डिस्कॉर्ड पे आके आप लोग को क्या कर लेना है, यहाँ पे रिएक्शन रोल करके एक चैनल है, ये देखो रिएक्शन रोल्स, उस पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को देखो मेल फीमेल ये ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें दिखेगी कि यहाँ पे आप लोग को अलग अलग तरह के रिएक्शन देने और आपको रोल ऑटोमेटिकली सर्वर से मिल जाएगा। तो वहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है आर्क मोबाइल सर्वर रोल, ये देख रहे हो आर्क मोबाइल सर्वर रोल, ये सर्वर रोल लिए बिना अगर आप सर्वर में गए तो आपको डायरेक्टली एडमिन्स बैन दे देंगे। सो ये रोल कैसे लेना है, इसके नीचे एक भाई इमोजी दिख रहा है आपको, 257 लिखा हुआ है, देखो भाई 257 बंदों ने इसको रिएक्ट करा है। तो यहां पे आप लोग को इस इमेज के बस ऐसे जाके क्लिक कर देना है, जैसे आप क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा ब्लू ब्लू हो जाएगा, देख रहे हो ब्लू ब्लू हो गया, क्लिक नहीं करा था तो ब्लैक ब्लैक था, जैसे क्लिक करोगे आप एक नंबर भी बढ़ जाएगा, 257 हो गया और ये ब्लू ब्लू भी हो गया, मतलब आपको ये ऑटोमेटिकली रोल मिल चुका है। और अभी आप लोग सर्वर में जाओगे खेलोगे तो आपको बैन फिर भी मिलेगा, क्यों मिलेगा मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ पे एक और रोल, ये रोल लेने के बाद आप लोग जो है ना गाइस आधी स्टेप कंप्लीट कर दिए सर्वर में खेलने की, तो अभी आपको क्या कर लेना है, आपको यहाँ पे जो है ना गाइस आपका इन गेम नाम जो डिस्कॉर्ड पे नाम है और गाइस जो गेम में आप लोग नाम रखने वाले वो नाम सेम रख देना है, ठीक है। सो वो आप लोग कैसे रखोगे, तो डिस्कॉर्ड पे नॉर्मली आप लोग को आ जाना है और यहाँ पे समझ लो मैं दूसरे सर्वर में जाता हूँ, ये वाला मेरा दूसरा सर्वर है, अभी इसमें मुझे अपना नाम चेंज करना है, तो कैसे करेंगे आप लोग, आपके जो ना गाइस नाम के ऊपर जो आपको साइड में दिख रहा है यहाँ पे इस नाम के ऊपर क्लिक कीजिए, ऐसा प्रोफाइल आ जाएगा और यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है, आप सेटिंग में जाके भी एडिट प्रोफाइल कर सकते हो। तो एडिट प्रोफाइल पे आप लोग को चले जाना है एडिट सर्वर प्रोफाइल पे, ठीक है, एडिट सर्वर प्रोफाइल या तो एडिट यूजर प्रोफाइल पे भी जाओगे तो परमानेंट चेंज हो जाएगा नाम, मैं बोलूंगा एडिट सर्वर प्रोफाइल पे जाइए। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को सर्वर दिखाई देगा मेरा वाला, ठीक है, ये मैंने दूसरे सर्वर में गया इसलिए इसके ऊपर ऐसे आर्क मोबाइल R4H1 आर्क मोबाइल करके ऐसे सर्वर का नाम आ रहा है, बट वहाँ पे आपको नाम आ जाएगा, मेरे सर्वर का नाम क्या है, एक्वा कम्युनिटी, ठीक है। सो एक्वा कम्युनिटी लिख के आ जाएगा जब आप एडिट सर्वर प्रोफाइल में चले जाओगे, तब तो आप लोग को यहाँ पे जो डिस्प्ले नेम दिख रहा है गाइज, ठीक है, सर्वर प्रोफाइल में चले जाना है वहां से आप लोग को, ठीक है, सर्वर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल नहीं, सर्वर प्रोफाइल पे जाना है। एंड वहां पे आप लोग को जो आपका इन गेम नाम है, आपका समझ लो गेम में नाम है भाई प्रो राहुल, तो यहाँ पे लिख दो प्रो राहुल, ठीक है, सेम टू सेम जैसे गेम में नाम है वैसे ही नाम यहाँ पे डाल देना है। समझ लो आपने राहुल का स्पेलिंग लिखा है आर कैपिटल और बाकी का सब कुछ स्मॉल गेम में, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही होना चाहिए। सो गेम का नेम और डिस्कॉर्ड का नेम जो आपका वो सेम होना चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ पे नाम चेंज करोगे तो सेव चेंजेस पे आप लोग को क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आप लोग सर्वर में जाके आराम से खेल सकते हो, आपको बैन नहीं मिलेगा। दो चीजें करनी है सर्वर में आप लोग को खेलने के लिए, एक तो ये रोल लेना है और आपका जो नाम है डिस्कॉर्ड का वो नाम और गेम का नाम सेम कर देना है। वापस से बताता हूँ कैसे नाम आप लोग सेम कर सकते हो, आपके मैं बता देता हूँ, सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद यूजर्स प्रोफाइल, ठीक है, एडिट यूजर प्रोफाइल लिखा हुआ है,
दूसरा स्टेप है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो या पहले बताया वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे जाने के बाद सेम वही दो ऑप्शन आएंगे, यूजर प्रोफाइल और सर्वर प्रोफाइल। तो यहाँ पे सर्वर निकनेम का ऑप्शन है, दिख रहा है यहाँ पे, वहां पे आपका जो भी गेम में नाम है वो सेम नाम डाल दो, सेव चेंजेस कर दो, काम 25 आपका हो गया, ठीक है। और अभी आप लोग जाके आराम से खेल सकते हो हमारे आर्क मोबाइल के सर्वर में, आपको बैन नहीं मिलेगा। अभी मैं आगे के आपको रूल्स जो है ना गाइस सर्वर में खेलने के वो बता रहा हूँ। और काफी बंदे बोलेंगे सर्वर रिसेट होने को आ गया लेकिन हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो गाइस आप लोग ने डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं कर रखा है। मैंने जो सर्वर अपना रिसेट होने वाला है उसके अनाउंसमेंट 2-3 दिन पहले डिस्कॉर्ड पे कर दी थी, तो जो भी इवेंट वगैरह हमारे होंगे, ठीक है, उस इवेंट में जो भी विनर्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे जो है ना चीज़ें डिस्कॉर्ड पे ही बताई जाएगी कि ये आज का इवेंट हुआ, उसमें ये हमारा जो है ना बंदा विनर हो चुका है और उसको ये जो गाइस हम लोगों ने रिवॉर्ड भी दे दिया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें डिस्कॉर्ड पे ही बताई जाएगी। तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर सर्वर कभी रिसेट हो रहा है, अभी डायरेक्टली 3-4 महीने बाद ही रिसेट होगा, तो कभी अगर रिसेट हो रहा है सर्वर तो आप लोग को उसकी इन्फॉर्मेशन भी डिस्कॉर्ड पे टैग करके बताई जाएगी, एवरीवन पिन करके। अभी सर्वर के रूल्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। पहली बात, सर्वर में कोई भी बेहमत वॉल लगा नहीं सकता और कोई भी छोटा रूल भी ब्रेक हुआ तो डायरेक्टली सर्वर से परमानेंट बैन आपको मिल जाएगा। ये परमानेंट बैन सारे बंदों को डायरेक्टली हम लोग क्यों दे रहे, क्योंकि सर्वर में काफ़ी बंदे जानबूझ के दूसरों लोगों को जो ना कहीं यहाँ पे डिस्टर्ब करते, तंग करते जो अच्छे से खेलते हैं उनको, एंड फिर उनको वैसे बंदों को 2-3 दिन बैन करो, उसके बाद वापस से अनबैन करो, फिर वापस से वही वो कांड करेंगे। इससे अच्छा हम लोग डायरेक्टली परमानेंटली बैन हर एक बंदे को दे देते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को कोई भी भाई यहाँ पे बैन नहीं चाहिए तो रूल जो है अच्छे से सुनना, बेहमत वॉल सर्वर में बिल्कुल भी लगानी नहीं है। अगर लगी हुई दिखी तो भाई उस ट्राइब का नाम देखा जाएगा और जो ट्राइब का लीडर होगा उस लीडर को बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे उस भाई लीडर को ही डायरेक्टली धर लिया जाएगा ट्राइब के नाम के थ्रू, ठीक है। और अगर वहां पे आजू बाजू ट्राइब के कुछ मेंबर्स भी दिखाई दिए तो उनको भी सीधा बैन दिया जाएगा। तो बेहमत वॉल बिल्कुल नहीं लगानी है, एक ट्राइब का पूरे मैप पे सिर्फ एक ही बेस होना चाहिए, ठीक है। पूरे मैप पे बड़ा बेस बनाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक ही बेस होना चाहिए भाई, 4-5 बेस एक ही ट्राइब के हम लोग को अलग मैप पे अलग अलग जगह पे दिखने नहीं चाहिए, दिखे सीधा पूरे ट्राइब को परमानेंट बैन मिल जाएगा। एक ट्राइब अपने जो है ना गाइस बेस पे सिर्फ 2 ही बेहमत गेट लगा सकती है, क्योंकि बड़े बड़े डायनोस होते हैं तो उनको भाई अंदर बाहर करने के लिए बेहमत गेट की जरूरत होती है, तो 2 बेहमत गेट खाली अलाउड है सर्वर में। उससे ज्यादा बेहमत गेट अगर लगाए परमानेंट सीधा बैन मिल जाएगा। उसके बाद कोई भी पर्सन दूसरे बंदे के बेस पे विदाउट परमिशन नहीं जा सकता। अगर किसी कोई भी पर्सन दूसरे बंदे के बेस पे विदाउट उसके परमिशन, चैट में परमिशन लेनी है, भाई मैं तुम्हारे बेस के बाहर हूँ तुम्हारे बेस में आओ क्या, बंदा बोला कि आ जाओ तभी आप लोग को अंदर जाना है, अगर वरना विदाउट परमिशन आप गए और उस बंदे ने कंप्लेंट करी, कंप्लेंट कहाँ पे करना है वो भी बताता हूँ, कंप्लेंट करी अगर उस बंदे ने तो आपको परमानेंट बैन मिल जाएगा। वो बोलेगा कि ये विदाउट परमिशन लिए भाई आया है बेस में, तो भाई वो स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाएगा तो आपको डायरेक्टली परमानेंट बैन मिल जाएगा। अब आप बोलोगे कि भाई मैंने परमिशन ली थी फिर भी भाई उसने कंप्लेंट करी और मुझे बैन पड़ गया, तो इसलिए अगर आप किसी के बेस पे जाते हो और परमिशन पूछ के जाते हो तो आप लोग को उस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना है कि हाँ भाई मैं परमिशन पूछी थी उसके बाद ही मैं उसके बेस पे गया था, और अब ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, तो जो झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है बंदा उसको डायरेक्टली बैन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि भाई आपको आपके ऊपर कोई भी झूठा इल्जाम लगाएगा और आपको बैन मिल जाएगा, नहीं, अगर आप कोई भाई परमिशन लेके बेस के अंदर किसी के जाते हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, 1 सेकंड लगेगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है। वो स्क्रीनशॉट लेके उसके बेस में जाओ, उसने परमिशन दी है वो स्क्रीनशॉट में दिखना चाहिए, एंड अगर वो सामने वाला फेक एलिगेशन आप पे लगाता है तो उसको परमानेंट बैन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और बात, अगर कोई टेमिंग वगैरह कर रहा है और आप लोग बीच में गए और एंड में बस एक एरो मार के उसका टेम आपने चुराया और वो बंदे ने स्क्रीनशॉट लेके भेजा, सीधा डायरेक्टली बैन, जो भी भाई उंगली करने बीच में गया था और जिसने डायनो चुराया है उसको डायरेक्टली बैन पड़ जाएगा, परमानेंट सारे के सारे बंदों को परमानेंट बैन पड़ रहा है अगर कोई भी रूल तोड़ा तो, ठीक है। किसी को भी 5-6 दिन ऐसा बैन नहीं पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला रूल जो है जो सुन लेना यहाँ पे, मैक्सिमम बंदों के मैक्सिमम मुझे जो कंप्लेंट देखने को मिलते हैं वो एक ही चीज़ के होते हैं कि भाई एक बंदा रैंडमली मेरे ट्राइब में आया, उसने भाई मेरे ट्राइब से लीडरशिप ले ली, अभी मेरे को खुद को किक करके मेरे सारे डायनो अनक्लेम करके चुरा के भाग गया, ये कंप्लेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसलिए पहले तो मैं वार्निंग देना चाहूँगा बंदों को कि किसी भी बंदे को अपने ट्राइब में लेने से पहले और उसको एडमिन डायरेक्टली बिल्कुल नहीं देना है,
ठीक है, एक हाथ अब तक अच्छे से खेले उसके बाद एडमिन देना, वरना वो आपकी डायनो चुरा के भाग जाएगा। तो डायनो अगर उसने चुरा के भाग गया और उसके बाद उसने मरवा दिया डायनो, तो आपको रिटर्न नहीं मिलने वाले, क्योंकि उसमें मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं थोड़ी मरे हुए डायनोस को जिंदा कर सकता हूँ। सो इसलिए किसी को भी आपके ट्राइब में लेने के बाद एडमिन देने से पहले 100 बार सोच लेना। उसके बाद अगर कोई वैसा बंदा आपके साथ कांड करता है, आप लोग को उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है, मुझे कंप्लेंट कर देनी है, उस बंदे को मैं परमानेंट बैन कर दूंगा। अगर आपके डायनो मिले तो सही है, मैक्सिमम टाइम पे डायनो रिटर्न मिलते नहीं है जो भी अनक्लेम करते हैं, क्योंकि वो डायनो भाई या तो मरवा देते या तो उनके इम्प्लांट विम्प्लांट निकाल विकाल के बेच बीच देते, किसी और को दे देते डायनोस, ऐसा करते कुछ कांड करने वाले बंदे। सो किसी को भी ट्रैप में लेने से पहले ध्यान से लेना है, वरना आपके साथ ऐसा कांड हो सकता है, ऐसे भाई आंखें बंद करके नहीं लेना। और अगर कुछ आपके साथ ऐसा कांड होता है तो स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना, मैं उस बंदे को डायरेक्टली परमानेंट बैन दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे अगला रूल, किसी भी बंदे के साथ गाइज आपको सर्वर में जो है ना गाइज स्कैम वगैरह करना नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम बंदे बोलते हैं भाई मैं तेरे को ये दे रहा हूँ तू मुझे वो दे दे, मतलब मैं तेरे को ये डायनो अर्जेंटेविस दे रहा हूँ 10, तू मुझे भाई एक ग्रिफिन दे दे, ठीक है। उसके बाद उससे 10 अर्जेंटेविस ले लेगा, फिर ग्रिफिन नहीं देगा, ऐसे स्कैम वगैरह नहीं करने। अगर ऐसे कोई स्कैम करता है तो आप लोग को जब ट्रेडिंग की बात आपकी चल रही होगी और वो बंदा बोलेगा हाँ ठीक है भाई तू लेके आ जा अर्जेंटेविस, मैं तेरे को भाई ग्रिफिन दे देता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ अर्जेंटेविस और ग्रिफिन का, ठीक है। सो ऐसे ट्रेडिंग आपके बीच में होती है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको एज अ प्रूफ, कि अगर आगे जाके उस बंदे ने आपके साथ स्कैम करा तो भाई आपके पास प्रूफ रहे और मैं डायरेक्टली उस बंदे को परमानेंट सर्वर से बैन दे सकूं, ठीक है। इसलिए आपको प्रूफ का स्क्रीनशॉट लेना है। तो किसी भी बंदे के साथ आपको स्कैम नहीं करना है, सर्वर में अच्छे से खेलना है, वाइल्ड डायनो वगैरह लेके जाके किसी का बेस नहीं तोड़ना है भाई, बिल्कुल भी कोई भी गलत काम नहीं करना है। अगर आप लोग कोई भी गलत काम सर्वर में करते हो तो डायरेक्टली आपको परमानेंट बैन यहाँ पे सर्वर से मिल जाएगा। अभी गाइज यहाँ पे बारी आती है, अगर आपके साथ गाइज कोई भाई गलत कांड हो जाते हैं तो आप लोग भाई कंप्लेंट कहाँ पे कर सकते हो, अभी मैं ही आपको बताने वाला हूँ। डिस्कॉर्ड पे आप लोग को आ जाना है, डिस्कॉर्ड पे राइट हैंड साइड में एकदम नीचे आप लोग को AFK फीडबैक कंप्लेंट करके सेक्शन दिख जाएगा, बराबर। अभी इस कंप्लेंट सेक्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे कि इन बंदों ने, आप देख सकते हो इनके कंप्लेंट का कोई भी मैंने रिप्लाई नहीं दिया है, क्योंकि गाइज जो अपना सर्वर है वो रिसेट की बात भाई एक दो हफ्ते से चल रही थी, तो रिसेट ही सर्वर होने वाला था, तो इसलिए भाई मैंने इन कंप्लेंट्स को जो ना गाइज उतना कुछ खास भाई यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं दिया, वरना आप बोलोगे इतनी कंप्लेंट है भाई रिस्पॉन्स किसी ने नहीं दिया, तो ये इसलिए नहीं दिया है क्योंकि गाइज सर्वर रिसेट होने वाला था और सबका सब कुछ जाने वाला है, तो ये कंप्लेंट जो है ना गाइज वो और बैन वगैरह करके कुछ फायदा नहीं था। सो गाइज आप लोग को यहाँ पे कंप्लेंट सेक्शन में आना है, ठीक है। ये देखो कंप्लेंट सेक्शन कहाँ पे, एकदम नीचे, ठीक है। फीडबैक AFK और ये कंप्लेंट, यहाँ पे ही आके आप लोग को कंप्लेंट देनी है। मुझे मैसेज वगैरह करके अगर आप कंप्लेंट करते हो तो आप मैसेज से ब्लॉक हो जाओगे डायरेक्टली, सो आप लोग को ऐसे नहीं करना है। और एडमिन पास आप लोग को कहाँ से लेना है, एडमिन के रूल्स क्या है, वो भी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कंप्लेंट आप लोग को कैसी करनी है, जैसे इस बंदे ने करी है, ये बंदा देखो, इस बंदे का जो है ना गाइस आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया है, लेकिन इसका नाम नहीं दिख रहा है। ऐसे स्क्रीनशॉट नहीं लेना है आपको, आपको नजदीक जाना है बंदे के और ऐसा स्क्रीनशॉट लेना है कि उस बंदे का नाम दिखे। ये बंदा, रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, ये बंदा भाई एक ग्रिफिन मार दिया और विदाउट परमिशन इसके बेस पे आ गया था ये बंदा, ठीक है। सो इसने भाई यहाँ पे नाम भाई इसका दिख नहीं रहा, तो ऐसे स्क्रीनशॉट लिया है, तो इससे भाई पता नहीं चलता कि इस बंदे का नाम क्या है, लेकिन इसने बताया कि ये देखो ये जो है ना गाइस नीचे चैट में लिखा हुआ है वो उसका नाम है करके ऐसे भी आगे करके बताया। तो आपको भी ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना है, और स्क्रीनशॉट लो या वीडियो लो आपकी मर्जी, स्क्रीनशॉट या वीडियो लो, और वो यहाँ पे आके भाई अगर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालना है तो कैसे डालोगे, प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करो, अपलोड फाइल पे क्लिक करो और आपके गैलरी में से स्क्रीनशॉट अपलोड करो, उसके नीचे लिख देना है कि ये बंदे ने भाई मेरे साथ ऐसे कांड करा, ये मेरे बेस पे विदाउट परमिशन आया था, ऐसे ऐसे आप लोग लिख सकते हो। जैसे स्क्रीनशॉट में देखूंगा और उसके बाद आपकी कंप्लेंट देखूंगा, स्क्रीनशॉट से कंफर्म करूंगा कि ये बंदा सच बोल रहा है, तुरंत 10-15 मिनट बाद उस बंदे को बैन मिल जाएगा। और जैसे उस बंदे को बैन मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा कि बैन दे दिया या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करके, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है ना गाइज भाई बंदों को बैन करेंगे। अभी आप बोलोगे यस भाई चलो भाई अभी मैं यहाँ पे आके कंप्लेंट डायरेक्टली कर दूंगा, लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, तो ऐसे नहीं होगा। अगर विदाउट स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पे कंप्लेंट करने के लिए आते हो और आपके पास कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं है और आप लोग यहाँ पे स्पैम करोगे कि नहीं भाई वो आके मेरे भाई पेज पे ये कांड करके गया, वो कांड करके गया है, लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं, आप कुछ तो करो,
तो आपको डायरेक्टली यहाँ से सर्वर से एक हफ्ते का टाइम आउट मिलेगा। मतलब आप एक हफ्ते तक ना किसी को मैसेज कर सकते हो ना यहाँ पे आपकी कोई आगे की कंप्लेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको तभी आके कंप्लेंट कर देना। ये देखो ये आलोक करके बंदा है, इसको यहाँ पे एक हफ्ते का टाइम आउट मिला है। देखो रिमूव टाइम आउट का ऑप्शन आ रहा है। क्यों? यहाँ पे इसने ये डाला था आर कैबरेजन की वीडियो डालो। कंप्लेंट सेक्शन है, यहाँ पे सिर्फ कंप्लेंट दिखनी चाहिए। कंप्लेंट के अलावा अगर कोई चैट्स दिखेगी तो आपको डिस्कॉर्ड सर्वर से परमानेंट बैन या तो डायरेक्टली आपको टाइम आउट मिल जाएगा एक हफ्ते का। वो भी इसको एक हफ्ते का टाइम आउट मिला है, ठीक है। सो ऐसे नहीं करना है। आपके पास स्क्रीनशॉट है, प्रूफ है, तभी आके कंप्लेंट करो। स्क्रीनशॉट और प्रूफ नहीं है तो आके कंप्लेंट ही नहीं करना, क्योंकि उसके ऊपर एक्शन ही लिया नहीं जाएगा। और स्क्रीनशॉट लेने के लिए 1 सेकंड लगता है खाली गाइस मोबाइल में। एक सेकंड में स्क्रीनशॉट हो जाता है, तो ले लेना कर अगर कोई आपके साथ कोई गलत चीज करता है तो, ठीक है। सो ये हो गया कि आप लोग कंप्लेंट कैसे कर सकते हो, और अगर यहाँ पे कंप्लेंट करी किसी ने तो उस बंदे को परमानेंट बैन मिल जाएगा। अभी बात करते हैं एडमिन पास आप लोग को कैसे लेना है, और एडमिन्स के जो रूल्स है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज एडमिन पास लेने के लिए आप लोग को डिस्कॉर्ड पे ही, आप देख रहे हो यहाँ पे मिस्टर राहुल गरत करके एक बंदा है, ये मैं ही हूँ, डायरेक्टली मुझे पर्सनल मैसेज करना है। अगर आपके कोई कंप्लेंट्स है तो मैसेज नहीं करना गाइस प्लीज पर्सनल, क्योंकि मेरे को ऐसे काफ़ी सारे मैसेज आते रहते हैं पर्सनल में। पेंटिंग पे अगर आपको मैं मैसेज दिखाऊँ ना तो गाइस ये 56 मैसेज रिक्वेस्ट देख रहे हो यहाँ पे, ये पेंटिंग पे 56 मैसेज रिक्वेस्ट 2-3 दिन में आई है। तो इतने सारे मैसेज आते रहते तो इतने बंदों का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। सो यहाँ पे अगर आपको एडमिन पास लेना है तभी पर्सनल मैसेज करना, वरना बाकी आपके मैसेज जैसे इन 56 बंदों के इग्नोर हुए वैसे हो जाएंगे। अब आप बोलोगे भाई तू घमंडी हो गया भाई, तो तेरे को मैसेज भी नहीं कर सकता, मेरे से बात डायरेक्टली कर सकते हो। मैसेज छोड़ो, जाए भाड़ में सीधा आके बात करो। कैसे कर सकते हो वीडियो के एंडिंग में बताता हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आपको एडमिन पास लेना है तो यहाँ पे ये जो ऊपर पे टॉप पे एकदम टॉप पे जो आईडी होगा मिस्टर राहुल गरत, उसी को खाली उसके ऊपर क्लिक करके मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से। मैसेज का उस पर क्लिक करके मैसेज का ऑप्शन पे क्लिक करना है, और मुझे मैसेज करना है कि भाई मुझे एडमिन पास लेना है। तो आपको वहाँ पे एडमिन का पास की जो प्राइस होगी वो बताई जाएगी। प्राइस जो है ना ऊपर नीचे होती रहती है, तो अभी मैं बता नहीं सकता प्राइस, लेकिन आपको डीएम कर देना वहाँ पे, मैं आपको एडमिन पास की प्राइस क्या है वो बताऊंगा। एडमिन पास 1 मंथ के लिए खाली होगा सर्वर में। अभी एडमिन के जो रूल्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एडमिन्स विदाउट परमिशन किसी और एडमिन के और किसी और प्लेयर के बेस पे जा नहीं सकते हैं। विदाउट परमिशन किसी प्लेयर के या किसी एडमिन के दूसरे के बेस पे कोई भी एडमिन चला जाता है और मुझे कंप्लेंट, नॉर्मल प्लेयर भी आके कंप्लेंट करेगा कि एडमिन विदाउट मेरी परमिशन लिए मेरे बेस पे आया है, सीधा एडमिन को परमानेंट सर्वर से बैन मिलेगा। परमानेंट देखा नहीं जाएगा आपने भाई 2 दिन पहले एडमिन पास लिया है या 20 दिन पहले, सीधा परमानेंट बैन मिलेगा। तो एडमिन पास जो भी लेने वाले ध्यान से सुनना, किसी भी बंदे के बेस पे ताका झाकी करने के लिए या फिर कुछ भी कांड करने के लिए नहीं जाना है, वरना आपका एडमिन पास डिसेबल और आपको सर्वर से परमानेंट बैन, बराबर। उसके बाद अभी यहाँ पे आप बोलोगे किसी बंदे ने मुझे एडमिन को हेल्प करने के लिए बुलाया, स्क्रीनशॉट ले लो प्रूफ के लिए। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट नहीं है, सामने वाले बंदे ने यहाँ पे मुझे कंप्लेंट करी कि ये बंदा भाई मेरे विदाउट परमिशन आया, बट उसने भाई आपको बुलाया है लेकिन आपके पास स्क्रीनशॉट नहीं है, लेकिन उसने भाई कंप्लेंट कर दी, तो आपको बैन मिल जाएगा क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं, उसके पास प्रूफ है स्क्रीनशॉट का कि आप उसके बेस पे दिख रहे हो, और आपके पास प्रूफ नहीं कि उसने आपको बुलाया था। तो आपको किसी और बंदे के बेस पे जा रहे हो तो आपको भाई प्रूफ लेना है कि उसने आपको बुलाया हेल्प करने के लिए। उसके बाद एडमिन किसी भी बंदे को रिसोर्सेस नहीं दे सकते। क्यों? मैक्सिमम बंदों को जब हम लोग रिसोर्सेज देते हैं, हम लोग ने सर्वर जब 3-4 या 5 महीने पहले बनाया था तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज सबको देते, 1 महीना भी नहीं लगा था, 10 या 15 दिन के अंदर पूरा सर्वर फुल हो गया था। फालतू के इधर उधर स्ट्रक्चर फाउंडेशन फलाना ढिलाना बंदे बना देते हैं। सो इसलिए कोई भी एडमिन सर्वर में किसी को भी रिसोर्सेस नहीं दे सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर भाई किसी को भी बैन मारता है एडमिन, तो गाइज आप लोग को भाई उसका स्क्रीनशॉट लेना है कि वो बंदे को बैन क्यों पर आए और कांड वो क्या कर रहा था। अगर कोई एडमिन गाइज किसी बंदे को बैन मारता है तो आप लोग को पहले स्क्रीनशॉट लेना है उस बंदे को बैन मारने से पहले, विदाउट कोई कांड करे उस बंदे को बैन पड़ा, समझ लो कुछ नहीं कर रहा ऐसे आप गए और उसको बैन दिया, सीधा एडमिन को परमानेंट बैन, ठीक है। एडमिन के लिए भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है भाई लोग कि हाँ भाई हम एडमिन है तो हम लोग कुछ भी कर सकते, नहीं भाई सारे लोग हमारे सब्सक्राइबर ही हैं। नॉर्मल प्लेयर हो जिसने एडमिन पास लिया नहीं है वो, या फिर ऐसा बंदा जिसने एडमिन पास लिया है, दोनों के लिए रूल सेम है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है एडमिन पास लेने से। बस आप लोग को रिसोर्स अनलिमिटेड मिल जाएंगे,
ठीक है। और भाई कुछ एडमिन वगैरह किट अगर हम लोग ने भाई बनाई तो एडमिन किट वगैरह मिलेगी, ऐसे नहीं कि कंफर्म मिलेगी, अगर बनाई तो मिल सकती है ठीक है। सो वही चीज़ें मिलेगी, बाकी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाली कि मैं भगवान में कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे नहीं ठीक है। सो यहाँ पे एडमिन जो है ना गाइज विदाउट परमिशन किसी को बैन मार देते, तो जिसने बैन मारा उस एडमिन को डायरेक्टली परमानेंट सर्वर से बैन मिल जाएगा और उसका एडमिन पास जो है गाइज वो हट जाएगा। उसके बाद पर विदाउट परमिशन किसी के बेस पे नहीं जाना है, वो तो मैंने बता दिया। एडमिन पास का जो है गाइज आपको बिल्कुल भी गलत यूज नहीं करना है। एडमिन पास जो है गाइज वो किसी भी बंदे को, अपने फ्रेंड को या किसी और बंदे को, किसी को भी शेयर नहीं करना है बिल्कुल भी। और गाइज अगर इसमें से कोई भी रूल अगर ब्रेक करा जाता है तो एडमिन को भी परमानेंट बैन मिल जाएगा। फिर उसने एक दिन पहले लिया हो भाई एडमिन पास, दो दिन पहले लिया हो, या फिर 20 दिन हो गए हो, 30 दिन हो गए हो, डायरेक्टली बैन पड़ जाएगा अगर आपने रूल्स जरा से भी तोड़े तो। बस इतने रूल्स थे, कुछ और एडमिन्स के रूल्स हैं जो कि जब कोई एडमिन पास भाई बाय करेगा तो उसको बताया जाएगा कि बैन करने के बाद स्क्रीनशॉट वगैरह कहाँ पे भेजने हैं, वहाँ पे आप लोग भेज सकते हो। और बस इतना ही था वीडियो में। अभी सबसे बड़ा सवाल कि आप लोग आके डिस्कॉर्ड पे मेरे साथ बात कहाँ पे कर सकते हो। आप लोग को डिस्कॉर्ड पे बात करनी है तो वॉइस चैट करके चैनल है, ये देखो वहाँ पे सुमरी वीसी, यस यू एम आर आई, सुमरी वीसी करके एक चैनल है, उसमें ज्वाइन कर लेना। शाम के वक्त मैक्सिमम टाइम 6 बजे से लेके 8 या 10 बजे तक हम लोग, मतलब 6 बजे से लेके 8 या 10 बजे के बीच में कभी भी हम लोग ये सुमरी वीसी में आते हैं ठीक है। मैं होता हूँ वहाँ पे, आप आके वहाँ पे आराम से मेरे साथ बात कर सकते हो ठीक है। अभी भाई बंदे बोल रहे हैं कि मैसेज नहीं कर सकते इसको, आप डायरेक्ट आके बात कर सकते हो, मैसेज नहीं करना, क्योंकि मैसेज आप करोगे तो उसका रिप्लाई नहीं दिया जाएगा ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज दिन भर आते रहते हैं तो उतने भाई मैसेज का रिप्लाई नहीं दे सकते, इसलिए आप लोग को जो भी बात करनी है आप सुमरी वीसी में आके शाम के वक्त या रात के वक्त, अगर मैं वहाँ पे ऑनलाइन हूँ तो आप देखो मैं ऑनलाइन हूँ तो ऐसा दिख जाएगा मिस्टर राहुल गरत, ये देखो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो आप भी ज्वाइन कर लेना और आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करके मेरे साथ बात कर सकते हो शाम के वक्त ठीक है। अभी गाइस यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं कि सर्वर के रूल्स जो है वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्यों हो रहे हैं, और मतलब बंदों को डायरेक्टली परमानेंट बैन क्यों दे रहे हैं हम लोग, पहले ऐसा नहीं करते थे हम लोग, अभी क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कुछ बंदे जो है ना गाइस जल कुकड़े बंदे हैं, जिनको जो है ना गाइस सर्वर में बंदे अच्छे से खेल रहे होते हैं ठीक है, तो उनका सुख दिखा नहीं जाता और भाई जाके उनको उंगलियां बिंगलियां करते हैं। और गाइस उन कुछ इक्का दुक्का बंदों के कारण पूरे सर्वर में काफ़ी बंदों को दिक्कतें हो जाती है। सो इस रीज़न से हम लोग ने सर्वर के रूल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। तो अगर कोई भी बंदा यहाँ पे सर्वर में विदाउट बाय परमिशन ज्वाइंट वगैरह होता है, रोल्स वगैरह लिए विदाउट परमिशन ज्वाइंट होता है, तो डायरेक्टली उसको जो है ना परमानेंट बैन ही मिलेगा। तो अगर कोई फालतू का और कोई बंदा आ जाएगा तो डायरेक्टली बैन खा जाएगा। और गाइज अगर आप लोग को अनबैन चाहिए बैन होने के बाद, तो आप लोग को क्या कर लेना है, डिस्कॉर्ड पे आके जो मैंने रूल स्टार्टिंग में वीडियो के बताए थे वो सारे फॉलो कर देने हैं, और कंप्लेंट सेक्शन में जाके बोल देना है कि हाँ भाई मैंने सारे रूल फॉलो कर दिए, मुझे भाई यहाँ पे अनबैन कर दो। और कंप्लेंट सेक्शन में जो है आपकी कंप्लेंट डालने के 24 घंटे के अंदर आपकी कंप्लेंट सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा गाइस वीडियो बनाने में बिजी होता हूँ, तो 24 घंटे आपकी कंप्लेंट्स देखते नहीं बैठ सकता। तो कंप्लेंट डालने के 24 घंटे बाद अगर आपकी कंप्लेंट सॉल्व नहीं होती तो वापस से गाइस कंप्लेंट डाल देना, स्पैम करते नहीं रहना है वहाँ पे, क्योंकि गाइस वीडियो वगैरह बनाते रहता हूँ तो कंप्लेंट सेक्शन ज़्यादा मैं देख नहीं पाऊंगा, लेकिन एक दिन के अंदर मैक्सिमम बंदों की कंप्लेंट सॉल्व हो जाएगी, टेंशन नहीं लेने का ठीक है। और गाइस मैक्सिमम भाई यहाँ पे अपने सर्वर में अभी ये नए रूल्स बनाने के बाद काफ़ी कम बंदे खेलेंगे, कोई सीन नहीं है। 5-10 बंदे भी सर्वर में खेले ना हमारे, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। 5-10 बंदों के साथ हम लोग इवेंट्स वगैरह करेंगे, इवेंट्स की डिटेल डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगा आप लोग को ठीक है। इवेंट्स वगैरह 5-10 बंदों के साथ ही करेंगे हम लोग, उनके साथ ही खेलेंगे, मजे करेंगे भाई, पूरा सर्वर फुल होना चाहिए, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, बिल्कुल भी सीन नहीं है। 5-10 बंदे, अच्छे बंदे, अच्छे से खेलने वाले बंदे भी सर्वर में खेलेंगे तो भी गाइस काफ़ी ज़्यादा हम लोग खुश है। और बात रही कि आर्क मोबाइल की वीडियो कब से आ रही है, तो कुछ दिन बाद रेगुलर आर्क मोबाइल की वीडियो अपलोड होना चालू हो जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। बस इतना ही बताना था इस वीडियो में, काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है क्योंकि रूल्स काफ़ी ज़्यादा अलग अलग नए नए रूल्स यहाँ पे बनाने थे। और गाइज अगर कुछ रूल्स अपडेट हुए हैं तो आप लोग को वो कहाँ पे मिल जाएंगे, ये देखना डिस्कॉर्ड पे आ जाते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो आप लोग ने पहले चैनल देखा था गाइज आर्क मोबाइल चिल कहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा, आर्क मोबाइल सर्वर जहाँ पे पासवर्ड डाला हुआ है, अगर कोई रूल्स वगैरह अपडेट हुए हैं तो वो रूल्स जो है गाइज वो आप लोग को ये सेक्शन में मिल जाएंगे।
तो आप लोग को जो है ना 3-4 दिन बाद बस यहाँ पे आके देखना है कि कोई नया रूल वगैरह ऐड हुआ है कि नहीं। रूल्स तभी ऐड होंगे नहीं जब कुछ बंदे जाके कुछ अलग अलग नए तरह के कांड करेंगे। सो कांड रोकने के लिए कुछ नए रूल्स ऐड करे जाएंगे सर्वर्स में, तो वो रूल्स यहाँ पे हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में भाई टाइप करके भेज देंगे कि वो नए रूल्स क्या है, और वो भाई अगर आप लोग तोड़ोगे तो आपको बैन मिल जाएगा। तो वो रूल्स जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन पासवर्ड वाला, वो आप लोग को 2-3 दिन में चेक करते रहना है कि कोई नया रूल वगैरह ऐड हुआ है कि नहीं, ठीक है। बाकी ये वाला वीडियो ये भी खत्म हो जाता है, मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस आर्क मोबाइल के, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। सर्वर ज्वाइन करना है करो, अच्छे से करो, बाकी और कोई सीन नहीं, अच्छे से करो, किसी को उंगली नहीं करना, मजे करो। इवेंट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा जल्दी यहाँ पे चालू होने वाले। और एक और चीज़, मैक्सिमम बंदे बोलते हैं कि सर्वर में हम लोग चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते कि नहीं। सर्वर में चीज़ें कोई भी बंदा TF नहीं कर सकता, सर्वर का ट्रांसफ़र बिल्कुल भी बंद कर रखा है हम लोग ने, क्योंकि TF पिछली बार हम लोग ने अलाउ करा था तो कुछ बंदे TF करके लेके आए थे, और गाइज कुछ बंदों ने दूसरों के डायनो चुराए थे। अभी हम लोग उनसे जाके पूछते कि ये डायनो कहाँ से आए, बोलते भाई हम लोग ने TF करा है। अभी हमारे पास कुछ भाई प्रूफ नहीं कि हाँ इन्होंने सच में TF करा है या इसने चुराए डायनो करके, तो इसलिए भाई ये चीज़ें माननी पड़ती कि हाँ भाई TF करके लेके आ गया होगा। इसलिए TF बिल्कुल भी बंद है, यहाँ पे कोई भी बंदा TF नहीं कर सकता। अगर आप लोग को कुछ ID एम्बर वगैरह बाय करने तो जो गाइज आप लोग है ना मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको ID वगैरह एम्बर वगैरह जो होंगे वो भाई यहाँ पे दे दूंगा। और आप लोग ID वगैरह एम्बर वगैरह डायनो बॉसेस वगैरह बाय करोगे तो वो मेरे से ही करना है, क्यों, क्योंकि फिर मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा कि इस बंदे को स्पेसिफिक हम लोग ने ये डायनो दिए हैं, ये भाई इसके पास भाई यहाँ पे इतने इतने एम्बर्स हैं, तो हम लोग के पास रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ ये बंदा जो है इसने अपने पास से लिया है। तो अगर कोई बोलता है कि हाँ इस बंदे ने डायनो चुराए, देखो उसके पास वो डायनो मेरा है, तो हम लोग बोल सकते नहीं भाई उसने मेरे से लिया है, मैंने भाई TF करके दिया है उसको। और अगर आप मेरे से भाई ID वगैरह बैन मतलब बैन नहीं सर ID वगैरह खरीदते हो या एम्बर वगैरह खरीदते हो तो आप लोग को जो है गाइस यहाँ पे TF करने की परमिशन मिल जाएगी, सिर्फ वही चीज़ें जो आप लोग मेरे से खरीदोगे, दूसरी कोई चीज TF नहीं कर सकते आप लोग, ना ही हमारे सर्वर से कोई चीज आप दूसरे सर्वर में लेके जा सकते हो। बस यही रूल था और कुछ नहीं बोलना है, बस इतना ही था। बाकी ये वाला आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बाय बाय गाइस।